नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जनपद मैनपुरी के थाना क्षेत्र बेवर के अंतर्गत ग्राम गजियापुर निवासी एक मजदूर को शराब न लाने पर बुरी तरह से पीट कर घायल कर दिया। पीड़ित की शिकायत पर थाने में कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ित के द्वारा मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक मैनपुरी से की गई है। वहीं आपको बता दें कि ग्राम गजियापुर निवासी मजदूर फेरू सिंह पुत्र परशुराम ने पुलिस अधीक्षक व थाने में दी गई तहरीर में बताया कि दिनांक 3 अक्टूबर की शाम 5:30 बजे वह अपने घर के लिए आटा दाल आदि लेने जा रहा था। जब वह मुख्य सड़क पर पहुंचा कि तभी ग्राम सकत बेवर निवासी शिवम पुत्र राजीव पुत्र नामालूम व एक अन्य युवक ने उसे बुलाकर शराब लाने को कहा। शराब लाने की मना करने पर तीनों युवकों ने डंडों से उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की, जिससे उसके हाथ तथा सीने में गंभीर चोट आई है। नामजदों ने घायल अवस्था में उसे सड़क किनारे डाल दिया। होश आने पर घर पहुंचे वृद्ध मजदूर ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। 5 अक्टूबर को मामले की शिकायत थाना बेवर में की गई है, लेकिन 5 दिन बीतने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित द्वारा पुलिस अधीक्षक मैनपुरी से मामले की शिकायत की गई है। नामजदों के द्वारा रिपोर्ट वापस लेने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है, अन्यथा उसे जान से मारने की धमकी दी गई है। देखिए संजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? फेरू सिंह साहब। फेरू सिंह। पिताजी का नाम? परशुराम। कहाँ के रहने वाले हो? गजियापुर के। क्या मामला हुआ है आपके साथ? हम सब जाते सौदा अपने लेने जाती दुकान पर, हमें बुलाया और बुलाकर हमसे कही जा साले क्वार्टर ला जा हमारे लिए आसार किया थे। हम लेन नहीं गए, हम साथ एकदम चिपट पड़े, आबी हो गए। जब नीचे चिपटवर जब हुई माँ तोल कर ली पता गया भीतर सटन के भीतर कर लो, सटन भीतर रात खूब मार लो, मार के साफ जान लगी मरैया हैं जी। तब हमको साफ ऊपर सच राजीव आए उतर का, राजीव कही मर जाएगा साला घर में आप लगाएगा। फिर साले उनका राजवी तो लाते दही बरान निकालो, उनके लड़के ने टांग पकड़िए खींच के बाट डाल दिया पटरी गाई। जब मैं गौसम भाई फिर मैं एकदम चले भैया घर को चल के हमारे भाई साहब बच्चे उनसे मैंने कही है मेरे भाई साहब ऐसा से मारो तो हम सौदा लेने जाते 300 रुपये थे भाई साहब भी ले ले पाई चाहिए हमने भाई साहब कही जाए घर चाहे तो बस चलने की तथा नहीं थी। हमें शाम को रिपोर्ट नहीं कर पाई बहुत मैं फिर खुश करी। बेवर थाने पर शिकायत की थी आपने? हाँ। पुलिस ने क्या शासन दिया? कोई शासन नहीं दिया था। 3 दिन टाल मटाले करते रही और 3 दिन में मेरी सुनवाई कोई नहीं करी कि बेच देवे साय रहे और तो जा कही कि देखिए अभी काम कराते ठाकुर साहब बुला रहे हैं। किसने बोला था ये बात? तरफ दरोगा जी आए तो आएंगे फिर एक निकाब से एक बैठा देंगे ना। उसके बाद शिकायत आप और उच्च अधिकारी को शिकायत की आपने? और पुलिस साहब अधिकारियों ने करी पहली बार रिपोर्ट तो बात इनकार करते या कही रिपोर्ट दी ही नहीं और रिपोर्ट हम क्या जाके आए साहब तो तीन नहीं दी। फिर उन्हें फोन करो तो समझे फिर जल्द करी बनी थी। मैनपुरी जाके आपने शिकायत की थी एसपी के पास? इतने बैठे ही नहीं देता। हाँ कही थी हमने जो बात थी तो हमने कही थी हमें लिखी हुई थी। क्या नाम है आपका? सुंदरम सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? गजियापुर के। कहाँ ये क्या मामला हुआ है? ये मेरे पिताजी जा रहे थे सामान लेने तो उन्होंने बुलाया ठाकुरों ने कि ना चमार मेरे लिए दारू लेके आ। मेरे पापा दारू लेके नहीं आए तो कहे नहीं लेके आएंगे। मेरे पापा ने मना कर दी सामान लेने जा रहे हैं इतने पैसे हैं मेरे पास सामान रात लेने जा रहे हैं तो मेरे पापा को अंदर खींच लिया वो मारपीट की। किन लोगों ने खींचा था? उनने राजीव ने खींचा था, राजीव का लौंडा था और एक और था वो एक और था कोई दूसरा शिवम था। हाँ शिवम था और फिर उसके राजीव और शिवम था। उसके बाद मारपीट करके खूब मारपीट की उसके बाद फिर बाहर फेंक दिया निकाल के मर जाएगा इसे बाहर डाल दो। मेरे पापा जी को जब होश आया तब वो उठ के आए। जब वो फिर थाने गए थाने भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है बेवर में कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैनपुरी गए डायरेक्ट मैनपुरी से आए फिर वो रोज मैनपुरी तहरी दी थी आपने? किसे तहरी दी थी? यहाँ पे दी थी बेवर में। उसके बाद कहाँ दी थी? उसके बाद फिर मैनपुरी में दी। यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई 4-5 दिन हो गए। मैनपुरी किसको तहरी दी थी आपने? मैनपुरी दी थी कप्तान सर को जी।
क्या आश्वासन दिया? कप्तान सर ने ये कहा कि गोगांव जाओ, वहाँ सोगा मैं वहाँ भेजे दे रहे, कल छुट्टी पड़ गई इसलिए आ रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, राजीनामा कर लो नहीं तो फिर मारेंगे दोबारा, मानने की धमकी दे रहे हैं इसलिए सर डरे हुए हैं। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही, बने रहें एएसबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।